सुषमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरियाणा अम्बाला से बात कर रही हूँ। जी मैम, आपका सवाल। जी मैम, सर को नमस्कार मेरा। सुषमा जी, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में हाँ आपका। जी सर, सर परसों फोन किया था मैंने आपको बेटी के बारे में सर। हाँ जी, तो वो लाजवंती के बीज बताए थे सर आपने, वो दे रही हूँ मैं इसे, तो हल्का सा मतलब फर्क लगा है सर। मैंने फोन इसलिए किया है भी आप उसके लिए दुआ करो, आपकी दुआ बहुत लगती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फ़ायदा भी शुरू हो गया सुषमा जी, 2 दिन में आपको फ़ायदा भी शुरू हो गया। भगवान की आप पर बहुत मेहरबानी है, और जिन पर भगवान की मेहरबानी होती है वो लोग इस लायक होते हैं कि उनसे दुआ के लिए कहा जाए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा और ज़्यादा कर सकूं। बहरहाल, आपने मुझसे कहा है तो देखिए, मेरे प्रोग्राम में या मुझ में और दूसरे लोगों में यही फ़र्क है कि आप मुझसे दुआ के लिए कहें या ना कहें, मैं आप लोगों के लिए अपने यानी मशवरे के साथ दुआ भी खामोशी से करता हूँ और रोज़ करता हूँ कि ए भगवान, मेरे साथ जो वीवर्स जुड़े हुए हैं, अगर तुझे मेरी लाज रखनी है तो मेरे बताए हुए मशवरे में उनको फ़ायदा लिख दे, उनको हुक्म दे दे उन दवाओं को, उन मशवरों को, कि उन मरीज़ों को फ़ायदा दे दे। शायद इसी का असर हो, और मैं विशेष दुआ भी करूँगा कि आपके बच्चे को फ़ायदा हो जाए। जी, दिल्ली से हैं लाजवंती जी, स्वागत है आपका। हेलो लाजवंती जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, नमस्कार गुरु जी। आपका तो नाम लाजवंती जी दवाओं वाला नाम है, पहले भी शायद बात हुई है आपसे। हाँ जी, हाँ जी, मेरी 2 बार बात हो चुकी है आपसे। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं कि मैं आपका नाम ना लेता हूं। पहले मेरा नाम आपने गलत किया था, लता नाम लिया था। जी हाँ, तो और बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरा। स्वागत है आपका बहुत। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, मेरे 3 सवाल हैं आपसे। एक तो जो गौन मोरिंगा है, तो ये सफेद वाला जो आप देते हैं, तो हमने तो पेड़ से निकाला है, वो तो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, और जो काला गौन, तो ये कौन से पेड़ का होता है? ठीक है। और एक मेरे दामाद के दोस्त हैं, उनकी उम्र हो गई कोई 55-56 साल, उनके पैर में गैंग्रीन हो गया है, उनके ठीक पैर का काटने की नौबत आ गई, तो उनके लिए कोई इलाज हो तो बताइए आप प्लीज। ठीक है। जो देखिए, जो गॉन मोरिंगा है, ये जब फर्टिलाइजर में पैदा होता है तो ऐसा होता है जैसा आपको मिलता है पेड़ से, और वो प्रोसेस नहीं हुआ हुआ होता तो उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो गॉन मोरिंगा है, इसको जब हम 3 साल तक किसी खेत में फर्टिलाइज़र नहीं डालते और गोबर की खाद और ऑर्गेनिक खाद जो डालते हैं, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, तो वो ऐसा होता है जैसा मैं बताता हूँ, और जो आप बता रही हैं वो फर्टिलाइज़र वाला है जो प्रोसेस भी नहीं हुआ होता। हम जो देते हैं वो एक प्रोसेस वाला होता है और उसी को असली माना जाता है, असली इसको भी माना जाता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है सिवाय इसके कि आपको विटामिन सी वगैरह दे दे। और दूसरा सवाल आपका कि गौन सियाह कौन से पेड़ से आता है, ये आबनूस का पेड़ होता है। इस पेड़ से कभी किस ज़माने में, जब मेटल नहीं था, मेटल की बांसुरी वगैरह, मेटल का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था, उस ज़माने में इसकी लकड़ी से बांसुरी बनती थी। ये बिल्कुल काला होता है,
काली बांसुरी होती थी और अब मेटल वगैरह चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी किसी किसी के पास वो बांसुरी मौजूद रहती है, एक बिल्कुल काले रंग का पेड़ जिससे काला गोंद निकलता है, उसे ही गौंसिया कहते हैं। और एक कोशिश कर सकते हैं, वादा कुछ नहीं, उनको डॉक्टरों की दवाओं के साथ आप अलसी को हल्का सा भून लें और एक चम्मच अलसी खिलाएं मरीज़ को, और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, दो गिलास पानी में मिलाकर एक चम्मच अलसी दें, एक टाइम दिन में या दो टाइम लगातार दें, कुछ फ़ायदा हो तो हमसे आप बात करते रहें, वरना आप डॉक्टरों की बात मान सकते हैं। जी, जम्मू से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैडम हम हकीम सुलेमान जी का प्रोग्राम देखते हैं, हम नंबर की इंजन को मैं मिला रहा था, मिल नहीं रहा था। आपके सामने हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर हमने मंगवाना था नमक जैतून, जैतून का सिरका, गोंद मरिंगा, गोंद सिया। आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करें, दूसरा जो नंबर आ रहा है उस पर, किसी रोग के बारे में अगर आपको कोई सवाल करना है तो हम आपके सामने हाजिर हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए हेल्पलाइन नंबर लीजिए, उन पर बात करें, आपकी मदद की जाएगी। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अफरोजा। जी आपका सवाल? जी मेरा सवाल बहुत तसल्ली के साथ हकीम जी और आप भी बहुत इत्मीनान के साथ सुनियो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बताइए। बीच में काटना मुझे दिक्कत क्या हो रही कि मेरा गैस बनो बहुत ज्यादा। और मैंने अंडोस्कोपी भी करा ली और अल्ट्रासाउंड भी मेरे कई हो लिए, अल्ट्रासाउंड में लीवर पर चल दिया वो, और कोई बात नहीं आपकी तो जी। अब गैस जो बनो ना वो ना तो बाहर हो और ना तो लगो, बस ऊपर सप्तियों में ही चढ़ा रहो गैस वो। अच्छा भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, और क्या नाम यह दिक्कत मेरे पेट में हो, बस जो गैस बनो वा ना पास हो ना वा कुछ हो, और हिसाब भी बहुत कम हो मुझे। ठीक है ठीक है जी। और कोई तो सवाल नहीं जी? और सवाल बस ये पेट का ही सवाल हो और कोई सवाल नहीं है। ठीक है। आप कह रही थी ना काटियो मत, हम लोग नहीं काट सकते फोन, ये काटने वाला दूसरा डिपार्टमेंट है, हमारे पास तो आ गया तो हमें हुक्म होता है कि अच्छे से बात करें, नहीं तो हमें निकाल दें प्रोग्राम से, तो काटने वाला कोई और है। अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा किया अफरोज आपने कि अल्ट्रासाउंड करा लिया, ताकि हमें भी इत्मीनान हो गया कि ज़ाहरी तौर पर कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिए, वर्म हो जाता है पेट में, एसिडिटी, वर्म, कब्ज़, लीवर पे सूजन, ऐसे रोग होने से हम इस तरह की बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं। एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप तो गृहिणी हैं और छह चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, वो छह चीज़ें कौन सी है लिख लो जी, अगर पैन वैन लेके बैठे हो तो लिख सकते हो। और ये सौंफ, सौंठ, जीरा, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, छह चीज़ें आपके किचन में, याद रखो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, छह चीज़ें दो बार मैंने बोल दी, और एक बार बोल देता हूँ, आपकी भाषा से मुझे लग रहा है कि आप पता नहीं लिख पाओगे या नहीं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लो, और जी पाउडर बना के एक डब्बे में करके रखो। एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून याद रखो जी कि एक नमक विशेष है जो स्वाद में नमकीन ही नहीं होता, ये अलग से 100 ग्राम खरीद लो, एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी में डालो, दो गिलास पानी में, एक में नहीं, मिक्स हो जाता है आसानी से, नमकीन भी नहीं होता, ये हल्का सा कड़वा या खारा सा होता है। ये जो छह चीज़ों का पाउडर बनाया है ये एक चम्मच खा लो और ये दो गिलास पानी पी लो, दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा बस काफ़ी है, आप ये रोज़ाना एक बार ज़रूर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।
बिल्कुल हकीम साहब, सवाल यहाँ पे मैं ज़रूर करना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि इनको गैस पास नहीं होती है, जिन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो क्या ये भी एक संकेत है कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है अगर हमारी गैस पास नहीं होती है? देखिए, एक सिस्टम के तहत जो भी काम नहीं होता उसमें कोई भी ख़तरा हो सकता है। ये गैस इतनी पावर होती है कि ये कहीं भी परेशान कर सकती है। इसको लेने से सबसे पहले तो आपको गैस ही पास होने लगती है, आधा एक घंटे में आपको अच्छे से गैस पास होगी, जो लैट्रिन है वो आगे सरकना शुरू हो जाती है और वर्म हो तो वो दूर होने लगता है, कहीं भी स्वेलिंग हो जाती है ना वर्म, और लीवर को मजबूर करते हैं ये कि ठीक से काम कर, और मैदे को हजम का हुक्म देते हैं ये नुस्खा, और आंतों में बल देते हैं कि वो जल्दी से गैस पास करके इसको सही वक्त पर लैट्रिन हो जानी चाहिए। ये इन्फेक्शन भी दूर करता है, वर्म भी दूर करता है, लीवर को भी ख्याल लगता है, स्किन का भी ख्याल लगता है, सेहत का भी ख्याल लगता है। आप इसे इस्तेमाल करें, आप इसे फ़ायदा उठा सकते हैं जी। बीना वर्मा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार मैम, मेरे दो सवाल हैं। पूछिए मैम। मैंने गोंद सिया लिया था और उसको एक महीना हो गया लगभग खाते हुए, तो मैम वो अलसी के साथ मैं ले रही हूँ। मेरे पैर सुबह बहुत टाइट हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, पैर मुड़ते नहीं है। और दूसरा सवाल मेरी लड़की के थायराइड है और उसके बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं। स्ट्रेच मार्क्स, बॉडी का कोई इलाज है? ठीक है मैम। अच्छा ये बताइए, ये जो पैर टाइट हो जाते हैं पहले भी होते थे या अभी हो रहे हैं आपके? आप हैं लाइन पे क्या मैम? आप बात कीजिए बीना जी। जी 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 मैम, ये बताइए कि आपके पैर पहले भी टाइट रहते थे या अभी हुए हैं? नहीं डॉक्टर भैया, मेरे 4-6 साल से हो रहा है सर, और मेरे पैरों में दिक्कत ये है कि अगर मैं 10 मिनट खड़ी हो गई तो मेरे पैर ये टाइट हो जाते हैं, और चलते रहते ठीक है, अगर खड़े हो गए तो टाइट हो जाते, तो इसमें दर्द बहुत होती है। अगर किचन में 5-6 रोटियां मैंने सेक ली खड़े होकर तो ये पैर टाइट हो जाते हैं। अच्छा, दर्द की दवा आप खाते थे वो छोड़ दी आपने? अभी खाते हैं? नहीं खाते हैं सर, अभी खा रहे हैं। कितनी बार खाते हैं, पहले की तरह या कम हो गई कुछ? नहीं दोनों टाइम खाते हैं, वही अलसी के साथ 1 ग्राम। नहीं दर्द की दवा, इंग्लिश दवा जो खाते थे? दर्द की दवा नहीं लेते कोई। ठीक है। अच्छा देखिए, फ़ायदा तो है, अगर दर्द की दवा इंग्लिश छूट गई है तो फ़ायदा तो है। इसमें 3-4 महीने भी लग सकते हैं, और ये खिंचाव आता है तो ये दवा से ही आता है, ये अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। माना कि 1 महीना हो गया, लेकिन अभी 2 महीने की दवा और है आपके पास। वज़न ना उठाएं, मेहनत ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें, और आप ये इस्तेमाल करते हुए आप लगातार भगवान से मदद मांगें। वज़न बिल्कुल ना उठाएं, झाड़ू पोछा भी ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें, अभी बहुत गुंजाइश है आपके अच्छा होने में। और वज़न ज़्यादा है तो उसको भी कम कर लें। जिनको वो निशानात आ गए हैं उनके लिए आप अलसी और इसको हल्का सा भून कर, अलसी को 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून के पानी के साथ रोज़ाना 1 बार लिया करें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। थायराइड हकीम साहब, अगर थायराइड भी है तो 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून लगातार दिन में 2 बार सुबह निहार में और रात को सोते वक्त दें तो उनके भी दोनों रोगों में फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन जल्दी मत करना, 7-8 महीने भी लग सकते हैं।